मैं सोशल मीडिया पे डायबिटीज के लिए कई वीडियो सुनता हूँ, जिसमें कई लोगों को ये बोलते हुए पाता हूँ कि किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड बहुत इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज में कंज्यूम करने के लिए, और इसको लेकर के लोग बड़े बड़े चार्ट्स मरीजों को अवेलेबल कराते हैं कि इन्हें अपने बेडरूम की या किचन की दीवार पर चिपका दें, या अपने बैग के अंदर पर्स में रख करके इसको कैरी करें और अक्सर इसको रेफर करके अपना फूड कंज्यूम करें। मैं ये मानता हूँ कि ये सब करना प्रैक्टिकली एक मरीज के लिए बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आप रिसर्च के अंदर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप डाइटिशियन हैं, तो जीआई और जीएल डायबिटीज में आपके लिए जरूरी हो सकते हैं, पर एक आम मरीज के लिए ये बहुत बड़ी आफत के रूप में सामने आता है। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डाइट डेवलप किया, LDCF डाइट, जिसके प्रिंसिपल्स एकदम सिंपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है कि आपको आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटानी है। पूरे दिन के अंदर आपकी डाइट में 50 से 100 ग्राम के बीच में कार्बोहाइड्रेट हो। किसी भी मील में आपको 30 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और टोटल आपके मील का 10% के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप उस मील को कंज्यूम कर सकते हैं, या एक थंब रूल में बोला जाए, जिस चीज के 100 ग्राम में 10 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट है आप कंज्यूम कर लीजिए, जिसमें 10 से ज्यादा है 15 तक है कॉशियस रहिए, और 15 के ऊपर है तो अवॉइड करिए। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है। अब उन लोगों का कहना होता है कि अगर आप हाई जीआई वाली चीजें कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं तरबूज। तरबूज का जीआई लगभग 74 है। वो कहते हैं कि आप जीआई हाई होने के कारण मत लीजिए, जबकि अगर आप 100 से 200 ग्राम तरबूज अगर खा लें तो आपकी ब्लड शुगर थोड़े समय को स्पाइक होगी और फिर ड्रॉप हो जाएगी। तो मरीज को तीन तीन चीजों के बारे में जानकारी जुटानी पड़ती है। पहले उस फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जैसे तरबूज में 6 ग्राम है 100 ग्राम में, तो एज पर LDCF डाइट आपके लिए ये सेफ है, आप 100-200 ग्राम तरबूज कंज्यूम कर सकते हैं। पर जब वो जीआई की बात करते हैं तो 74 जीआई होने के कारण यही अनसेफ हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि भाई रियल में कंज्यूम करने पर तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती, तो बेटर है कि अब इसका जीएल भी कैलकुलेट किया जाए। फिर जीएल कैलकुलेशन के लिए और ज्यादा फॉर्मूलाज में जाना पड़ता है, उसका जीएल निकलता है जो 3.5-4 के आसपास आता है। फिर दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आपका गेहूं का आटा है। गेहूं के आटे का अगर कार्बोहाइड्रेट देखें तो लगभग 60 ग्राम है पर 100 ग्राम में, तो ये LDCF डाइट के हिसाब से पूरी तरह अनसेफ है, आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। तो निर्णय पहली ही लाइन में हो गया। अब वो कहते हैं कि इसका जीआई जो है वो लगभग 50 से 55 के बीच है, तो ये सेफ रेंज में है, पर शुगर तो स्पाइक हो रही है। फिर उनका कहना होता है कि अब इसका जीएल कैलकुलेट करिए। तो जब जीएल कैलकुलेट करते हैं तो फिर वही कैलकुलेशन में फंसना हो जाता है कि 50 को 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से डिवाइड करो, तो 30-35 के करीब उसका जीएल आएगा, जो काफी हाई है, क्योंकि 10 के नीचे अगर जीएल है तो ये सेफ है, 10 से 20 है मॉडरेट है, और 20 के ऊपर है तो ये अनसेफ है। तो ये ज्ञान जाकर के मरीज को तब होता है जब वो उसके कार्बोहाइड्रेट, उसकी जीआई और उसकी जीएल, इन तीनों की चीजें इकट्ठी करके फिर कैलकुलेशन करे। ये तो मरीज के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, अगर कोई डॉक्टर है, कोई डाइटिशियन है, कोई रिसर्च वाला बंदा है, तो उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंस की हो सकती हैं। तो एक आम मरीज को मेरा मानना है इन चीजों में नहीं फंसाया जाए। अब एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक पेशेंट मार्केट में गया, उसने एक नमकीन का पैकेट उठाया, उस नमकीन के पैकेट के ऊपर जीआई और जीएल की मेंशनिंग कहीं भी नहीं, तो उसने बोला कि आलू भुजिया का जीआई जीएल पैकेट के ऊपर है नहीं, चार्ट के अंदर है नहीं, तो अब मैं खाऊं कैसे। तो मैंने उसे कहा कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट देखें, आलू भुजिया के 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट करीब नेट कार्ब 32 ग्राम है, तो ये आपके लिए अनसेफ है। जो सादा रोस्टेड पीनट है उसमें लगभग 8 से 9 ग्राम 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट आता है,
तो ये आपके लिए पूरी तरह सेफ हो गया, क्योंकि वो अब किस पर काम कर रहे हैं, नेट कार्ब इन द फूड आइटम। तो नेट कार्ब जो है वो हर जगह मेंशन होता है, हर पैकेट के ऊपर मेंशन होता है, तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। इसलिए अक्सर मेरा कहना होता है मरीजों से कि आप इतने झमेले में ना पड़े। और एक और उदाहरण देता हूं, सपोज करो आपको किसी प्रोडक्ट का जीएल निकालना है। अब एलडीसीएफ डाइट में मैंने ये बताया कि अगर 100 ग्राम में 10 के नीचे कार्ब है तो उसका जीएल सेफ रेंज में ही आएगा। जैसे 100 ग्राम में सपोज करिए 10 ग्राम कार्ब है, तो फार्मूले में आपने डाला 10 ग्राम। अब सपोज करो इसके अंदर जीआई जो है, सपोज करो 75 है तरबूज के जितना भी, तो भी इसका जीएल कितना आएगा, 7.5। तो ये सेफ रेंज में है। तो अगर एलडीसीएफ डाइट के फार्मूले से जाएं, 10 के नीचे अगर कार्बोहाइड्रेट किसी फूड स्टफ के अंदर है तो वो ऑटोमेटिक सेफ हो जाता है। और ये इजीएस्ट और फर्स्ट स्टेप है किसी भी फूड को इवेल्युएट करने का। तो इसे हम इतना आम मरीज के लिए कॉम्प्लिकेट क्यों करें? तो मेरा सभी मरीजों से ये कहना है कि आप जीआई और जीएल के झमेले में मत पड़िए, उसे उठा के डाल दीजिए या तो डस्टबिन में, या उसे छोड़ दीजिए रिसर्च वालों के लिए, डाइटिशियन के लिए, डॉक्टर्स के लिए। और आप फॉलो करिए आपके मील के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपके एक मील में, ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में, टोटल मील के अंदर 20 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो ये आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगा, आपके लिए सेफ है। अगर आपने सपोज करो अपने ब्रेकफास्ट में आधा किलो कुल मिला के फूड स्टफ लिया और इसके अंदर 6%, 7%, 8% कार्ब है, आपके लिए सेफ है, क्योंकि 30 ग्राम से ऊपर आपको जाना नहीं है, तो ये अंडर 10% कार्ब हो गया। तो एक सिंपल फार्मूला आपको मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट देखो, आगे बढ़ो, और हर चीज में इसकी मेंशनिंग होती है, तो आप कहीं पर भी डिरेल या कंफ्यूज नहीं होते। थैंक यू वेरी मच।